शनिवार देर रात 1:15 बजे राहुल गांधी रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने नक्सलियों के इस हमले को लोकतंत्र पर एक हमला बताया। राहुल ने कहा कि कांग्रेसी इसे डरकर भागेंगे नहीं, वो इसका डटकर मुकाबला करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला नहीं हुआ है, वो लोकतंत्र पे और हमारे देश की जो सोच है उस पर हमला हुआ। ये जो लोग हैं, ये जो सोचते हैं कि हमें मार के डराया जा सकता है या हमें मार के भगाया जा सकता है, हम कहीं नहीं जाने वाले। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता यहां खड़ा रहेगा, अपनी सोच के लिए लड़ेगा। और तो नक्सलियों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस हमले में निशाना बनाया। नक्सलियों के निशाने पर सलवा जुडुम अभियान के संस्थापक कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा थे और उनके साथ हमले में 16 नेताओं सहित कुल 40 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़े नक्सली हमले के पीछे बड़ा प्लान। 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने किया हमला। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार शाम को नक्सलियों ने जो खूनी खेल खेला उसे अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी की थी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को घेरने के लिए नक्सलियों ने बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया था। दरबा घाटी में काफिले को रोकने के लिए नक्सलियों ने पेड़ काटकर सड़क पर गिराए हुए थे और उससे पहले बनी थी बारूदी सुरंग। जैसे ही कांग्रेस का काफिला उस जगह पहुंचा, तो सड़क पर पेड़ देखकर सारी गाड़ियां रुक गईं। गाड़ियों के रुकते ही बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया। विस्फोट में कुछ गाड़ियां उड़ गईं। विस्फोट के फौरन बाद वहां छिपे नक्सलियों ने काफिले पर बंदूकों से हमला बोल दिया। महेंद्र कर्मा को मारने की थी साजिश। कहा जा रहा है कि महेंद्र कर्मा के लिए नक्सलियों ने इतनी बड़ी साजिश रची थी, उन पर कई नक्सली एक साथ टूट पड़े। उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गयी। कहा जा रहा है कि करीब 100 गोलियों से कर्मा के शरीर को छलनी कर दिया गया। खबर ये भी है कि इस हमले के पहले नक्सलियों ने पूरी रिहर्सल की थी। महेंद्र कर्मा क्यों थे निशाने पर? कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा तब से ही नक्सलियों के निशाने पर थे जब 2005 में उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम अभियान की शुरुआत की थी। 8 नवंबर 2012 में उनके ऊपर नक्सली हमला हुआ था। उस वक्त वो बाल बाल बच गए थे। उसके बाद से वो नक्सलियों के टारगेट पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नक्सलियों ने लैंड माइन से धमाका पहले किया, नेताओं के काफिले को रोका। धमाके की वजह से बीच सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। इंडिया न्यूज संवाददाता सत्य प्रकाश आपको धमाके की ये भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं। इन गड्ढों को देखिए, ये देश की सबसे बड़ी नक्सली वारदात की जगह की तस्वीर है। नक्सलियों ने पहले यहाँ पे धमाका किया और इस धमाके के बाद जब एक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए तो उसके बाद नक्सलियों ने चारों तरफ से कांग्रेस नेताओं को घेर लिया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। हम ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हैं, जीड़ंग की ये घाटी है और हम यहीं पे मौजूद हैं। और हमने यहाँ पे जब देखा अलग अलग इलाकों में जो पुलिस के साथ सर्चिंग जो पुलिस के जवान कर रहे थे उनके साथ जब हम अलग अलग इलाकों में घूमकर देखे तो अभी भी यहाँ पे कम से कम 7 से 8 शव बिखरे पड़े हैं और इसकी तादाद और बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ सत्य प्रकाश, इंडिया न्यूज, जगदलपुर। तो ग्राउंड जीरो से आपने इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखी। नक्सलियों ने जिस तरह इस हमले को अंजाम दिया उससे पता चलता है कि इसकी तैयारी वो महीनों से कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी कोई भनक नहीं थी। आखिर ये चूक हुई तो क्यों हुई? छत्तीसगढ़ में नक्सल इलाकों में इस वक्त राज्य और सीआरपीएफ के 38,000 जवान जुटे हैं। इसकी वजह से बस्तर सहित आसपास के ज्यादातर इलाकों में नक्सलियों पर नकेल कसी गई है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान कमजोर है। दरभा घाटी का इलाका उसमें से एक है जहां नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया। दरभा से झीरम तक 27 किलोमीटर लंबी इन घाटियों में आज तक इतना बड़ा नक्सली हमला कभी नहीं हुआ था। जब बस्तर सहित कई इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ की सख्ती बढ़ी
तभी से ये आशंका मंडरा रही थी कि नक्सली अब इस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसे रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए गए। दरभा घाटी से लगे ओडिशा की तुसली डोंगरी पहाड़ी की चढ़ाई एकदम सीधी है। यहाँ नक्सली पहुंचकर बैठ जाएं तो पुलिस और सुरक्षा बलों पर आसानी से निशाना लगा सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तुलसी डोंगरी में सालों पहले बैठक हुई थी, जिसमें लश्कर ए तैयबा के आतंकी भी शामिल हुए थे। समझा जा सकता है कि इस इलाके में अपनी धमक बढ़ाने के लिए नक्सली कितने बेचैन हो रहे हैं। नक्सलियों की साजिश को देखते हुए 2 साल पहले दरभा घाटी में CRPF कैंप बनाने का फैसला हुआ था, आज तक नहीं हुआ। इसका फायदा उठाकर नक्सलियों ने दरभा घाटी से तुलसी डोंगरी पहाड़ी तक अपना इलाका बढ़ा लिया। हमले से साफ है कि नक्सलियों ने पूरी तैयारी के साथ इसे अंजाम दिया। तैयारी में कई हफ्ते लगे होंगे। अब जरा हमले की टाइमिंग को समझिए। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक नक्सलियों ने टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रखा है। इसका मकसद पुलिस और CRPF पर दबाव बनाना है। इस दौरान नक्सली अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए लगातार छोटे छोटे हमले कर रहे थे। हफ्ते भर में राज्य में छोटे छोटे हमले कई जगहों पर हुए। बावजूद इसके सुरक्षा सख्त नहीं की गई। ताजा हमले के पीछे दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी का हाथ बताया जा रहा है। खबर है कि ये ऑपरेशन नक्सलियों की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से जुड़ा था, जिसमें 2 बटालियन की भागीदारी थी। हर बटालियन में 300 नक्सली शामिल थे, यानी कम से कम 600 नक्सली हमले में शामिल थे। नक्सलियों से निपटने के लिए सबसे पहली जरूरत रणनीति बदलने की है। मौजूदा हालात में राज्य सरकार केंद्र से नगा बटालियन और राष्ट्रीय राइफल्स की संख्या बढ़ाने की मांग दोहरा सकती है। संदीप कुमार के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज। तो इस नक्सली हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के खात्मे की अक्सर बात की जाती है, खूब बात की जाती है, लेकिन ये कब तक होगा ये बताने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े दुश्मन लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। नक्सली देश के लिए किस तरह सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, ये समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि पिछले 10 सालों में उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि एक दशक के भीतर प्रशिक्षित हथियारबंद नक्सलियों की तादाद 1000 से बढ़कर 10,000 हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों का पूरा जोर बड़े हमलों की जगह छोटे हमले, अपनी ताकत बढ़ाने और इलाका विस्तार पर हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए, देखिए नक्सलियों की ताकत 10 साल में कैसे बढ़ी। 10 साल में 10 गुना मजबूत हुए नक्सली। साल 2003 से 2013 के बीच डिवीजन 4 से 12 हो गए। बटालियन जहां कहीं नहीं थी, बटालियन 0 से 2 हो गई। कंपनियां 2 से 10, प्लाटून 6 से 41, लोकल गुरिल्ला 30 दस्ते थे, वो 2013 में 110 दस्ते हो गए। हथियार बंद सदस्य जहां 2003 में 1000 थे, वही 2013 में 10,000 से ज्यादा हो गए। हथियार बंद फैक्ट्रियां जहां 2003 में 140 थी, वही 2013 में 500 से ज्यादा हो गई। बस इतना ही नहीं, अब नक्सली सेना की तर्ज पर अपना संगठन बनाने लगे हैं। देश भर की बात करें तो पहले इनकी लोकल गुरिल्ला यूनिट 25 थी, अब ये 30 हो चुकी है। कंपनी 65 थी, अब 80 हो चुकी है। बटालियन की संख्या 350 से 450 तक हो चुकी है। इसके अलावा नक्सलियों की सबसे घातक यूनिट पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA की कंपनियां 3 से 10 हो चुकी हैं। ये सच है कि छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों में पुलिस और CRPF ऑपरेशंस की वजह से नक्सलियों को कैडर नहीं मिल रहे। इस वजह से उन्होंने विदेशी आतंकियों से भी हाथ मिला लिए हैं, जिनके जरिए उन तक उत्तर पूर्व और नेपाल के रास्ते हथियार पहुंच रहे हैं और वे लगातार नई रणनीति बनाते आ रहे हैं। महीने भर के भीतर कई नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ में 9 जवान शहीद हो चुके थे। बावजूद इसके सरकार को ताजा हमले की साजिश की खुफिया जानकारी नहीं मिल पाई। संदीप के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज़।